हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था देहरादून से दिल्ली तक का ब्लॉग, और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ दिल्ली से वापस नैनीताल तक का ब्लॉग। तो पिछली वीडियो में मैं था बाइक पे और इस वीडियो में मैं चल रहा हूँ कार में। तो अब हम जाएंगे दिल्ली से नैनीताल। अभी बजे सुबह के 5, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आगे आगे दिखाता हूँ आपको कैसी जर्नी रहती है। अभी सुबह के 5 बजे और हम अपना सामान रख के निकल रहे हैं यहाँ से। अभी देखते 300 किलोमीटर यहाँ से नैनीताल दिखा रहा है, देखते कितना टाइम लगेगा जाने में। तो चलिए शुरू। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 7, हम निकले 5:30 बजे। अभी तक हम ज़्यादा दूर नहीं पहुँचे हैं, अब रास्ते में एक जगह पानी लेने के लिए रुके हैं। अब आगे चल के देखते हैं कितना टाइम लगेगा। अभी तक तो हाईवे हाईवे है, अभी टाइम लगेगा। अभी 5 बजे तो कहीं तो सामान लेने के लिए रुके हैं। अभी सामान लेते हैं फिर आगे चलते हैं। तो अभी यहाँ पे तो कुछ मिला नहीं, आगे चल के देखते हैं क्या मिलेगा। तो अभी टोल नंबर 2 आ चुका है हमारा रास्ते में। ऐसे ऐसे 4-5 टोल आएंगे अभी। अभी हमें चले हुए 1.5 घंटा हो चुका है तो हम यहाँ पहुँचे हैं। अभी डिस्टेंस बचा है 200 किलोमीटर के आसपास कवर करने के लिए, 201 किलोमीटर बचा है और हमें 4 घंटे और ट्रैवल करना है। अभी रास्ते में कहीं नाश्ता करेंगे, उसके लिए रुकेंगे और फिर दोबारा से आगे अपनी जर्नी शुरू करेंगे। तो अभी बजे सुबह के 8:30 और हम पहुँचे गजरोला में। यहाँ पे अभी हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके थे, तब यहाँ पे थोड़ा बहुत खा पी के अब हम आगे चलेंगे। 180 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी और बचा नैनीताल के लिए। तो अभी यहाँ पे खाना खा पी के अभी आगे का सफ़र शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। तो चलिए चलते हैं वापस नैनीताल की तरफ। अभी 160 किलोमीटर का सफ़र हमारा और बचा है, जिसके लिए हमें 3 घंटे के आसपास का टाइम लग जाएगा। अभी रामपुर पहुंचने वाले हैं हम। फिलहाल शायद ये मुरादाबाद आएगा, उसके बाद फिर रामपुर वाला बाईपास कटेगा। तो अभी चलते हैं आगे शुरू करते हैं। अब बज गए 118 किलोमीटर, अभी भी 3 घंटे दिखा रहा है। ये मुरादाबाद के बाद का टोल है जो रामपुर की तरफ मुड़ते हैं। अब हम रामपुर में एंट्री ले चुके हैं। अब रामपुर में अंदर आएगी जौहर यूनिवर्सिटी और उसके अंदर से हम निकल के जाएंगे। ये सामने जौहर यूनिवर्सिटी आने वाली है, ये उसका गेट और पूरा सर्कल बना हुआ है। बहुत सुंदर यूनिवर्सिटी बनी हुई है, लेकिन सब कब जाके बनाई गई है। इसके बाद नैनीताल की रास्ता कट जाता है रामपुर के आगे, तो वहाँ उस रास्ते पर चलते हैं। उस रास्ते में पूरा सिंगल रोड है, अब 4 लेन हाईवे नहीं बचेगा, आगे सिंगल रोड मिलेगा सारा। तो अब यहाँ से पहाड़ी वाला रास्ता शुरू हो चुका है। अब नैनीताल बचा है यहाँ से 45-50 किलोमीटर, और ये पूरा 45-50 किलोमीटर का रास्ता ऐसी पहाड़ी पे है, बहुत ऊंची चढ़ाई करनी पड़ती है। तो अभी बज गए सुबह के 11:55 हो रहे हैं। सुबह 5:30 बजे हम चले थे। अभी यहाँ से नैनीताल बचा है 45 किलोमीटर, तो अभी तक हम चल फिर के आए हैं
पहाड़ों के रास्ते से, पीछे पहाड़ों के रास्ते पे अभी रास्ते में हमें मैगी की दुकान मिली है, वहाँ पे चाय पी रहे और मैगी खा रहे हैं। तो थोड़ी देर रेस्ट करके यहाँ से 40 किलोमीटर दूर नैनीताल बचा है, तो उसके बाद हम नैनीताल जाएंगे। अभी ये कुछ गाड़ी खड़ी है हमारी, ये बजे 11:55, तो हम चलते चाय पीते हैं, कुछ चलते हैं कुछ खाते हैं। मीठी वो उठा रही थी, What are you doing? Nothing. Huh? I am doing nothing. तुम्हें पीनी है शिकंजी? जी तो पी के देख लो, मेरे हाथ से पियो। चाय कहाँ है? ये है क्या कुल्हड़ वाली? ये मेरी है ना? तो अब चले हम वापसी आगे नैनीताल की तरफ। इतना लंबा मीठी मजा आया कि नहीं आया बताओ। अभी 1:20 और हम पहुंच चुके हैं नैनीताल में। अभी हमने गाड़ी पीछे पार्किंग में लगा दी और चल रहे हैं अपने होटल में। डेढ़ 5:30 बजे हम निकले थे, तो 7 घंटे ड्राइव करने के बाद हम पहुंच चुके हैं वुड व्यू रिजॉर्ट नैनीताल में। तो ऐसा कुछ यहाँ का नज़ारा है। अभी हम खाना खाते हैं, फिर बाकी आपको बाद में दिखाते हैं कैसा कैसा यहाँ पे व्यू मिलेगा आपको। मजा आ रहा है यहाँ पे, ओले गिरने शुरू हो गए बहुत तेजी से। वैसे तो अब मेल्ट हो गए। जा दोबारा है कोई खबर बंदर आ जाएगा, रात को पकड़ लेगा वीटी को, तो ठा के ले जाएगा बंदर। मीठी डर लग रहा है, ठंड लग रही है, तो जल्दी आओ फिर। सूरज निकाल दो सब बच्चे। हेलो गाइस, व्हाट आर यू डूइंग हियर? ओके बंद करना भाई, देखना बाहर जाके तो देखो क्या क्या खोलो। तो ये है रिजॉर्ट के अंदर, बिल्कुल जंगल के अंदर रूम ऐसा, यहाँ पे बाहर भी बैठने की जगह है, इसके अंदर एक बेडरूम है और बाहर से जंगल सी रास्ता आ रहा है इसका। अंदर से दिखाता हूँ आपको अंदर से कैसा है। लाइट जलाओगे अंदर से कुछ ऐसा? हेलो मीठी, वी आर प्लेइंग इन द स्नो। व्हाट आर यू प्लेइंग? लाइट को अब हिला दो, जंप कर दे, कभी कर रखा देखो। बारिश डेली हो रही है क्या? नहीं आज ही हो रही है, आज ही लगती है। मैं हमारे बैग में नहीं, तो मौसम में थोड़ा गर्मा ही था ना। हां कार आ गई, तो चलते हैं बाहर की तरफ। तो ऐसा कुछ था ये कॉटेज, अब चल ले वापस। इस ट्रेल से रास्ता जा रहा है। तो ऐसा है कुछ आयार जंगल रिजॉर्ट जो मैंने आपको दिखाया।
और इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ दिल्ली से नैनीताल तक की अपनी जर्नी और अपना होटल दिखाया है। इसके अगली वीडियो में आपको नैनीताल और उसके आसपास घुमाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।